भजन थाली में। कृष्ण यहीं पर सखाओं को लेकर के आते थे और यहीं पर गैयाओं को छोड़ देते थे और यहीं पर बैठ करके भोजन करते थे। इसलिए अभी आप लोगों ने जो देखे हो देखना स्वाभाविक रूप में इसमें थाली बना हुआ है, स्वाभाविक रूप में इसमें थाली बना हुई है। इसलिए कृष्ण सखाओं के साथ में गोल करके बैठ जाते थे और कृष्ण बीच में बैठते थे। कृष्ण बीच में एक सखा नहीं हजार सखाए, कितने सखाए भगवान की। इसलिए लेकिन आश्चर्य का विषय ये था हर सखा ये देखते थे कृष्ण मेरे सामने बैठे, हर व्यक्ति को ये अनुभूति होता था हैं कृष्ण हमारे सामने सामने कृष्ण बैठे हुए हैं। बैठ करके सखाओं के साथ में तरह तरह का हैं तरह हंसी मजाक करते हुए कभी पकौड़ा में कभी नीम पत्ता डाल देते थे और बोलते देखो मेरे मैया ने बड़ा सुंदर पकौड़ा भेजा है और मधुमंगल तो पेटो वो थोड़ा ब्राह्मण था बोले मेरे को नहीं दोगे, और छीन कर जब खाता था उसका अंदर में क्या है नीम का पत्ता है और बिगड़ जाता था। बोले तेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ, कल मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, जनेऊ निकाल देते बोले अभिशाप देता हूँ, अभिशाप देता हूँ तुमने कैसे कैसे की। इसलिए कृष्ण सखाओं के साथ में यहीं पर भोजन करते थे। और जो माता जी बोल रही थी किसी देश का है कोई अभी प्रश्न होता है कृष्ण ये पत्थर के ऊपर क्यों बैठे, और ये बहुत सारे पत्थर थे बोले वो पूर्व जन्म में भगवान की तपस्या की है किसी राजकुमारी राजकुमारी तपस्या की तपस्या क्या फलस्वरूप उसने यहाँ पर पत्थर रूप में जन्म हुए और भगवान उसकी इच्छा पूर्ण करते हुए वो पत्थर को कृष्ण बैठे। वहाँ पर जो कुंडा आप लोगों ने देखा उसका नाम है खीर सागर है, जिसमें कृष्ण सखाओं को साथ में पानी पी सकते गई आप उसमें पानी में पिलाते थे। इसलिए यहाँ के ब्रजवासी कहते हैं कृष्ण का जो बछड़े सखाओं को जो चोरी करके ब्रह्मा लिया हो सकता है कभी बोले यहीं से उन्होंने कृष्ण का बछड़ा और सखाओं को उन्होंने यहीं पर कहीं उन्होंने चोरी भी यहीं पर किया है। इसलिए इस तरफ में एक पर्वत है जिसका नाम ब्रह्मासुर गुफा कहते हैं, अभी भी वहां पर बहुत बड़े को गुफा बना हुआ है और उसके अंदर में ब्रह्मासुर नाम के एक राक्षस रहता था। एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में यही खेल रहे थे, खेलते खेलते ये खेल खेल रहे थे कुछ जमीन थी, कुछ लोग तो बन गए जमीन का मांगे और कुछ बन गए मेष मतलब भेड़िया और कुछ बन गए भेड़ बजा रक्षा करने वाले सखा कुछ बन गए और बन गए राजा उनका मंत्री। राजा पद में कौन बैठा हुआ बोले कृष्ण, मंत्री पद में मधुमंगल जो लड्डू खाने वाले है। ऐसे बन करके आपस में खेल कर रहे थे, खेलते खेलते उसमें बन गए कुछ चोर, जो चोर ने जो मेष बने हुए थे उनको चोरी करके ले गए। जब चोरी करके गए ले गए मेष का जो रखे ना आकर के बोले देखो राजा के पास में शिकायत है कि हमारे मेष चोरी हो गई, चोर ने चोरी किया। बोले चोरी किसने किया, उसमें तो जो चोर बने हुए थे बोले चोरी किसने किया, क्या कर रहे हैं उसका इको हरे कृष्ण। इसलिए इन लोगों ने चोरी किया, बोले भैया तुम लोगों ने चोरी क्यों किए, बोले हमारे खेती में ये मेष लोग जाकर सर हमारे खेती खराब कर दिया इसलिए हमने चोरी किया। बोले भैया चोरी करना तो दंडनीय है इसलिए इनको जो दंड देना ही पड़ेगा। बोले भैया इनको क्या दंड दिया जाए, और कृष्ण और मधुमंगल एक मंत्री पद में एक राजा पद में मधुमंगल को कुछ बताओ क्या दंड किया दिया जाए, और ब्राह्मण पेटू ज्यादा खाने में लोभ ही होते हैं ना, तो इनको लड्डू खिलाना पड़ेगा, इनको लड्डू सबको खिलाना पड़ेगा। इसलिए यहीं पर ऐसे ही बचपन में बच्चे लोग जैसे खेल करते हैं यहीं पर खेल कूद कर रहे थे, इसी सूचक पा करके ब्रह्मा शुरू आ गया और आ करके कृष्ण का जो एक एक सखाओं को पकड़ पकड़ कर लेकर के अभी भी एक गुफा है ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा, वो गुफा को अंदर में बंद करके और एक बहुत बड़ा शिला खंड को उसमें बंद कर देता था और एक सखा को लेकर ले लेकर के बंद करता था आता था। कृष्ण ने देखा भैया एक एक ये सखा का ही गायब होते जा रहा है, इतने में देखा ये ब्रह्मासुर एक एक बच्चों को उठा उठा कर ले जा रहा है और गुफा में बंद कर रहा है। इतने में कृष्ण वो ब्रह्मासुर को पकड़ लिया, पकड़ करके जो मारने के लिए गए इतने में पृथ्वी डगमगाने लग गई, डगमगाने लगे तो इतने बलदेव प्रभु ये संधि शक्ति की अधिष्ठात्री देवता श्री बलदेव प्रभु, इतने में श्री बलदेव प्रभु अपना चरण से ये पृथ्वी को उन्होंने अपना चरण से उन्होंने दबाया जिस समय हिल रहा था,
इसलिए अभी हम जाएंगे, जब बलदेव प्रभु और चरण को दबाया, अभी भी बलदेव प्रभु का चरण चिन्ह अभी भी है। हम जाएंगे वहां पर, जाते समय हम दर्शन करते हुए जाएंगे, बलदेव प्रभु का चरण चिन्ह है। और जो ब्रह्मासुर जो पहाड़ को भर में कृष्ण का भी गैया चढ़ाया करते थे, अभी भी बहुत सारी चरण चिन्ह वहां भी पड़ा हुआ है। इसलिए अभी यहाँ पर जब आप लोग 7 दिन में तो पूरा परिक्रमा करना चाहते हो, अभी हमारे साथ में आप लोग देखे होंगे, अभी जिस मंदिर से आए ना, वहां पर कुछ साधु लोग परिक्रमा कर रहे थे, उसमें कुछ मेरे परिचित तो कोई लोग था। मैंने कहा क्या कर रहे हो, बोले पैदल में परिक्रमा कर रहे हैं। बोले आपको कितना दिन लगता है, बोले 1 महीना से 1.25 महीना लगता है। मैंने पूछा दिन में कितना किलोमीटर चलते हो, बोले कम से कम तो 20 किलोमीटर अगर दिन में चले तो किसी तरह से महीना 1.25 महीना में ये परिक्रमा किसी तरह से पूरी होती है। लेकिन आप लोग 7 दिन में परिक्रमा करना चाहते हो। जब हम बड़ी गुरु जी के साथ में आते थे काम्यवन में, हम लोग 3 दिन रुकते थे, जो आप लोग दर्शन करेगा ना बिमला कुंड वहीं पर रुकते थे। फिर गुरु जी के साथ में अलग अलग स्थान पर जाते थे। आप लोग आने से पहले मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, छोटी गाड़ी में जल्दी आ गया था, और आ गया था तो मैंने कहा यहाँ पर स्थान है, गुरु जी के साथ में मैंने गया था, मेरे को याद आया यहाँ पर सेतुबंध रामेश्वर है, चल हम दर्शन कर। प्रभु जी गए थे, उनकी पत्नी भी, ये पत्नी भी गई थी है, इसलिए कृष्ण सखाओं के साथ में जब यहीं खेल रहे थे, खेलते खेलते वहां पर ब्रज गोपियां दूध दही लेकर के आ गए। आ गए तो इतने में कृष्ण बोल रहे थे गोपियों को, तुम लोग ग्वालिनिया क्या जानते हो, मेरे को जानते हो मैं कौन हूँ, सत्य युग में वही नारायण हूँ, मत्स्य अवतार में मैंने वेद को उद्धार किया, कुर्म अवतार में मैंने पृथ्वी का धारण किया, ब्रह्म अवतार में पृथ्वी का मैंने रक्षा की उत्तोलन की। गोपियों ने कहा भैया तेरा जी हरना सर स्वभाव है, ये था तू तो मक्खन चोर, और तुम कौन हो, गैया को पीछे पीछे डोलने वाले, तुम गैया चराने वाले हो। कृष्ण ने, अरे तुम लोग गोपियां हैं ग्वालिनियां, तुम्हारा महिमा मेरे को क्या, मेरा महिमा क्या जानते हो हैं। कृष्ण ने कहा तुमको जानते हो, मैंने त्रेता जी को मैंने रावण को वध किया हैं, और शत्रुबंध को मैंने बांधा, और ये क्या, बोले अगर तू ही राम था, बोले और क्या, मैं ही तो राम था, बोले दिखाओ राम तो सेतुबंध बांधा था, एक सेतुबंध बनाकर दिखा दे, इतना करके तो दिखा दे, फिर तो तेरे को हम मान जाएंगे तुम राम हो। इतने में कृष्ण सुंदर उन्हें बंसुरी बजाए, बंसी ध्वनि सुनकर तो हजार बंदर, पता नहीं कहां से कहां हजार हजार बंदर आ गए, और कृष्ण आदेश दिया यहाँ पर सेतुबंध बांधो, पता नहीं वो कहां गए, और इतनी विशाल विशाल एकदम पत्थर लेकर के आ गए, और पत्थर लेकर के आए और वहां पर एकदम पत्थर को लगा लगा करके पानी के ऊपर में एक सेतुबंध बना दिया, और भगवान राम ने वहां पर रामेश्वर की स्थापन किया, कृष्ण भी रामेश्वर स्थापन किया, यहाँ पर रामेश्वर मंदिर वहां पर है। हम लोग गए पानी चढ़ाए और सेतुबंध दर्शन किया, और सेतुबंध के ऊपर में चढ़कर भगवान कहाँ गए थे, लंका गए थे, वहां पर लंका है, और वहां पर अशोक वाटिका है, जहाँ पर माता सीता जी जिस अशोक वाटिका में रहती, वह अशोक वाटिका है। लेकिन करीब करीब मैंने सोचा था नजदीक को हमें भूल गया था, लेकिन चलते चलते खत्म नहीं हो रहा था, कितना दूर चले गए थे घर के, 1.5-2 किलोमीटर तक चलते चलते गए। मैं सोच रहा था अगर पास में होगा ना हम सबको मैं ले चलूंगा, मैंने कहा यार 2 किलोमीटर चलना और 2 किलोमीटर आना बड़ा कठिन है, फिर तो हमारी सारी दर्शन हमारी बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत बहुत लीला हुई पास में, और एक जगह पर हम नहीं गए जहाँ पर कामेश्वर महादेव है, वहां पर हम नहीं गए, यहीं पर ही पांचों पांडवों को ने यहीं पर उन्होंने अज्ञातवास किया है, यहीं पर पंचों पांडव ने यहीं पर निवास की, और निवास करते समय आप लोगों को पता होगा कैसे, आप लोगों को पता होगा कैसे यहीं पर श्री दुर्वासा ऋषि आए हैं। पहले तो दुर्योधन के पास में गए, दुर्योधन खूब खिलाया पिलाया खुश कर दिया, वो शंकर जी का अवतार, क्षण में तुष्ट क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, दुर्योधन तो खुश कर दिया, बोले परमा वो अभी वो सोच रहा था पांडव तो वन में गए लेकिन 12-13 साल बाद में फिर वापस आएंगे, किसी तरह से उनको खत्म कर दो। उन्होंने बोले देखो आप जैसे हमारे ऊपर में कृपा की ना, यहाँ पर मेरे हमारे भैया पंच पांडव भी यहीं पर रह रहे हैं, आप भी सारे शिष्य प्रशिष्य लेकर के जाओ, उनको ऊपर में भी कृपा करो। बोले कब भेजे, दुर्योधन को ये पता था सूर्यदेव ने द्रौपदी को एक पात्र दिया है, अक्षय पात्र दिया, जब तक द्रौपदी नहीं खाती है ना वो सारा दुनिया को खिला देगी, लेकिन जब द्रौपदी खा लेती है फिर तो और किसी को नहीं खिला सकती। और गुप्तचर द्वारा संधान कर रहा था कब द्रौपदी भोजन कर ले,
पहले पांडव पांडवों को ऋषि मुनियों को खिला करके द्रौपदी जो भजन करती फिर दुर्वासा जी को भेज दिए। और दुर्वासा को देख करके पांचों पांडव तो हिल गए, बोले हे भगवान ये काल कहाँ से आ गया। तुम शंकर जी का बता रहे ना, इतने में युधिष्ठिर भीम को बोले जल्दी जल्दी जाओ द्रौपदी को पूछो क्या उसने भजन कर चुकी है। द्रौपदी बोली सब सब लोगों को खिला करके मैं तो लास्ट में खाती हूँ, है लास्ट में खाती हूँ, मैंने खा पी करके बटोले को धो धा करके लग दिया, बोले सर्वनाश हो गया। दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर के आई, लगता है आज हमारे प्राण गया। बोले जाओ एक काम करो, आप लोग ये बिमला कुंड में नहा करके आओ, हम व्यवस्था करते हैं। पांडव लोग द्रौपदी बैठ गए, बोले देखो द्रौपदी जब भी कृष्ण हम सबको प्रेम करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं, तेरे को। इसलिए तेरे को कृष्ण सखी बोल करके संबोधन करते हैं। अभी तुम बुला अभी कृष्ण को, वही केवल हमारी रक्षा वही कर सकते हैं। द्रौपदी आंख को बंद करके हे श्याम सुंदर, हे भक्तों को रक्षा करने वाले, हे प्राण प्रियतम, हे कृष्ण, हे दीन बंधु, हे भक्तों के दुख से दूर करने वाले, आंखों से आंसू बहाते हुए जब उन्होंने कृष्ण का स्मरण की, बोले मैं तो मेरे लिए चिंता नहीं करती हूँ, ये पांडव तेरे ही भक्त है, तो अपना भक्त को रक्षा करने के लिए आप इतना बोलते ही कृष्ण कहाँ पर द्वारका में हमारे से रुक्मिणी छापान भोग छत्र से व्यंजन सामने रखी हुई, इतने में द्रौपदी का आवाज टकराई कानों में। आते ही कृष्ण आया हुआ थाला को उन्होंने सरका दी। रुक्मिणी बोली भोजन करो, बोले नहीं आज अपना सखी के घर में हम भोजन करेंगे। बोले खाना अगर छोड़ करके जाओगे ना कहीं भी खाना नहीं मिलेगा। बोले मेरे पास में समय नहीं। कृष्ण वायु से भी तेज गति से कृष्ण यहीं पर पहुंचे। आकर बोले द्रौपदी 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 बोली भैया कृष्ण कहाँ से आ गए, कृष्ण तो द्वारका में, यहाँ कैसे आ गए। और आंख खोल करके देखते ना सामने कृष्ण खड़े हैं। इसलिए कहते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं द्रौपदी जैसे, तो कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, लगता है तुम लोग बड़े बड़े पंडित हो। इसलिए उन्होंने द्रौपदी के सामने देखा बच्चे पांडव द्रौपदी को, कृष्ण जब आ गए ना बस दुख हमारी सब दूर हो गई। इतने में कृष्ण आते ही बोले देखो द्रौपदी मैं छापा में भोग छत्रिस में जो छोड़ करके आया हूँ, जल्दी जल्दी कुछ भोजन लाओ। बोले प्रभु आपको तो इसीलिए बुलाए क्योंकि जब तक मैं नहीं खाती ना सारा दुनिया को मैं खिला सकती हूँ, मैं खाने का बाद फिर किसी को नहीं खिला सकती हूँ। बोले द्रौपदी पहले भोजन कराओ उसके बाद में फिर बात करो। बोले सब कुछ खा करके धो धा कर रख दिया, बोले लाओ तो सही पात्र। अभी कृष्ण की माया देखा, एक केवल अन्न का दाना लगा हुआ, बोले एक गिलास पानी लाओ, एक किनका अन्न खा करके एक गिलास पानी पीकर जब डकार तोले, इतने में बोले अगर मेरा नाम विश्व भर हो मैं संतुष्ट हो गया, विश्व ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाए। और इसी लोग जो स्नान कर रहे थे ना देखा पेट इतना बड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा बड़ा पेट हो गया। बोले भैया क्या हो गया, हम तो खाए नहीं, इतना पेट भर गया कैसे। कहते इतना पेट भर गया हजमोला खाने का भी हिम्मत नहीं था। इतने में युधिष्ठिर कृष्ण बोले जाओ ऋषियों को बुला करके लाओ। बोले प्रभु ये ऋषि नहीं ये काल है, ये काल को क्यों नौता करते रहे हो। बोले भीमसेन गदा लेकर के जाओ। जब भीमसेन गदा लेकर के आया दूर से देख रहे, बोले भैया जरूर खाने पीने का व्यवस्था किया होंगे लेकिन हजमोला खाने का भी हिम्मत नहीं है। इसलिए भागो यहाँ से, कोई मोहल्लों में कोई जन भाग नहीं पा रहे थे। और जब यहाँ पर भीमसेन आया ना तेरा मैदान खाली, और जाते समय क्या वरदान देकर जा रहे थे, दुर्योधन भेजा था जी को मारने के लिए, उन्होंने उल्टा उन्होंने अभिशाप दिए एक दिन ये दुर्योधन का वंश समाप्त हो जाए। दुर्वासा शंकर जी का बता ना संहार करने वाली का वंश ध्वंस हो जाए और तुम लोग फलते फूलते रहो। इसलिए ये लीला यही पर हुई थी, यही पर पंचों पांडव आकर के जब द्रौपदी को प्यास लगी पानी के लिए भेजे, तो हम लोग तो कथा जानते हो, पहले भीम गए और एक बकर भी धर्म प्रश्न किया, सावधान देखा भैया कौन, बोले कि बगुला। बोले पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो फिर पानी पी सकते हो। बोले बगुला का उत्तर देकर हमें पानी पीना पड़ेगा, तेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ। जो जबरदस्ती पानी पीने गए तो वहीं पर बेहस, चारों को चार भाई बेहस हो गए। जब युधिष्ठिर महाराज आए जब पानी पीने के लिए गए, बोले सावधान
पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो फिर पानी पियो। तो बोले इनकी अवस्था ऐसे की हुई, बोले ये सरोवर मेरे ही, मेरे इच्छा के बगैर पानी पीने गए तो इनका दुर्दशा हुई, अगर आप भी जाओगे ना आपका भी यही दुर्दशा होगी। बोले बताओ क्या प्रश्न। बहुत सारे प्रश्न की, उसमें तीन चार प्रश्न विशेष है। एक प्रश्न था, इसका एक प्रश्न था का पद था, क्या प्रश्न था का पद था, मतलब वास्तव रूप में मार्ग किया है। इसको उत्तर दे है, मतलब देता विहिरना स्मृत विहिरना नासो मुनिर जस्सम मतम न भिरनम धर्म से तत्व नियत गुहायाम महाजेन जेन गतस पता। देखो ये चीज को अच्छे तरह से सुनो, लोग कुछ कहते ना जितना मत है उतना पद, बोले नहीं जितना मत उतना पद नहीं, हमारे वेद परंपरा गुरु परंपरा से जो मार्ग आया है वही केवल मार्ग है। वेद अलग अलग, पुराण अलग अलग, ऐसे कोई ऋषि मुनि नहीं जिसका मत ही अलग नहीं, लेकिन जो धर्म का तत्व है ना बड़ा गोपनीय है। महाजनों ने जिस मार्ग पर गए वो मार्ग ग्रहण करनी चाहिए। बोले भैया महाजन मतलब क्या, जिसको ज्यादा पैसा है। इसलिए जब महाराज स्वयं कहते हैं स्वयं नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बली भयासक्रम भयम, जब महाराज कह रहे अपना को हम ये बारह केवल महाजन हैं, इन लोगों ने जो मार्ग में गई वही सही, और जितने मार्ग सब गलत मार्ग है, सारे मार्ग गलत है। दूसरा प्रश्न था ये बताओ जगत में सुखी कौन है, जगत में सुखी कौन है। उसका उत्तर देते हैं कहते अप्रवास। अप्रवास मतलब होता है जो व्यक्ति अपना घर छोड़कर और कहीं सोए नहीं, सोए तो कहां पर सोए, अपना घर में, और अरिणी जो कभी ऋणी नहीं हो, अरिणी अप्रवास कहते, और दिनांते दिन को अंत में किसी तरह से साग भात खा करके रोटी खा करके जो पेट पाल लेते हैं और हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी कहते जो घर छोड़कर बाहर नहीं रहते, कहते हम तो घर ही रहते हैं, कहाँ रहते हो, अपने घर में रहते हो ना, कहते भैया आप जिसको घर कहते हैं ना वो हमारी घर नहीं, हम तो रिफ्यूजी होकर के हम केवल दो दिन के लिए यहाँ पर आए, हमारे घर हमें छोड़ना पड़ेगा, असली घर कहाँ पर है, ठाकुर जी की चरण में असली घर है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जत गत्वा नंद वर्तते तथाम परम मोह, और जीव जहाँ जाने पर परम शांति परम आनंद कहाँ मिलता है, ठाकुर जी की चरण में मिलता और कहीं नहीं। बोले अरिणी जो कभी ऋणी नहीं हो, कथा मैंने तो कोई ऋणी है नहीं, बोले नहीं कभी जगत में आओ तो छह तरह का ऋणी को सबको स्वीकार करना पड़ता है। कितना ऋणी, क्या क्या बोलो जोर से बोलो। इसलिए यहाँ पर भागवत में बताया छह ऋणी है, एक देवताओं का ऋणी है, एक ऋषियों का ऋणी है, एक पिता माता का ऋणी है, एक परिवारों का ऋणी है, एक राज ऋणी है। कहते हम छह तरह का ऋणी में इस जगत में आवत है, लेकिन केवल माता की इतना ऋणी है, जिनपे अगर माता को सेवा करोगे ना तभी आप ऋणी से मुक्त नहीं हो सकते, इतना ऋणी माँ के चरण में, जो सारे ऋणी तो तुम रह जाओ, सारे ऋणी रह गया कौन सा ऋणी तुम्हें उठा नहीं। लेकिन भागवत में बताए सर्वात्मना जह शरणम शरणम, जो व्यक्ति कृष्ण शरण में आ गए, भगवान कृष्ण के शरण में संपूर्ण रूप में शरणागत हो गए ना, कृष्ण क्या कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि माम शुचो, हे अर्जुन तू सारे धर्म छोड़ करके मेरे शरण में आ जा, अगर मेरे शरण में आ जाओगे ना सारे पाप से अपराध से मुक्त कर दूंगा। तो कभी बाबा लोग तो पिता माता की सेवा ही नहीं की, ये सब सन्यासी बन करके वहां गए बाबा हैं सब, फिर इन्होंने कौन सा ऋणी उतारे भाई, इन्होंने कौन सा ऋणी उतारे जो बाबा बन करके आ गए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं भगवान ने 36 करोड़ उन्होंने कर्मकांडी ब्राह्मणों को नियुक्त करके रखे, बोले जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके मेरे भजन के लिए आ जाए उनको जो पीछे का काम तुम लोग सब कुछ करना, 36 करोड़ कर्मकांडी ब्राह्मण को नियुक्त करके रखा। और देखो और एक चीज समझो, कोई कोई हम लोगों को देख कर कहते ना पिता माता की सेवा नहीं, बाबा बने क्या तिलक लगा लिए, पहले तो पिता माता की सेवा ही तुमने नहीं किए, सब छोड़ जाकर आ गए, बोले भगवान के भजन, जो पिता माता खुश नहीं किया भगवान के भजन क्या करोगे। कभी कभी लोग हमें ऐसे पिराते, बोले नहीं असली जो भजन करता है ना
वही असली पितामाता का सेवा करता है। पर क्या सेवा करता है? भागवत में बताया जब एक बेटा भगवान की भजन में लगे जाए, नरसिंह देव कहते हैं भले कुलम पवित्रम का 21 पीढ़ी उधार हो जाती है, उनको पिता माता की कोख धन्य हो जाती है। नित्यंत स्वर्ग पितर पितरे शाम, जो पूर्वज लोग चले गए ना वो हाथ उठा उठाकर नाचने लगते हैं, हम कितने सौभाग्यवान हैं जो हमारी वंश में एक बेटा भजन किया है। इसलिए इतना लाभ है एक बेटा भजन करने का। इसलिए जब भजन करता है ना, पहले ध्रुव महाराज जब वैकुंठ जा रहे थे बोले नहीं मैया को लिए बगैर नहीं जाऊंगा, मैया को पीछे पीछे गई। प्रहलाद महाराज के लिए जब बोले मेरे पिताजी को उधार कर दो, बोले तेरे से 21 पीढ़ी तक उधार गई। मानो पिता माता को तुमने खिलाया पिलाया, लेकिन क्या जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्ति मिलेगी? मिलेगी नहीं। देखो मेरे पारिवारिक कथा सुनो ध्यान से करके। हम लोग पांच भाई थे, पांच भाई में हमारे गांव में बहुत सारी संपत्ति थी। अभी पांच भाग में विभक्त तो छह भाग में हो गया पिता माता के लिए। मेरे एक भैया क्या क्या पिता को जो ईसा में पढ़ा था ना, इसका हाथ का अंगूठा के चिन्ह लगाकर पिता का सारी संपत्ति लूट लिया। मेरी भैया अपना हमारे गांव में मेरे पिता सबसे बड़ा धनी थे, सारे चीज हड़प लिया। लेकिन मेरे नाम पर जितने संपत्ति थी मैंने पिता माता को दे दिया। बोले जब तक पिता माता रहेंगे तब तक ये संपत्ति में किसी की भी अधिकार नहीं, केवल मेरे पिता माता ही इसकी अधिकार बनेगी। और मैंने कहा जो भाई, मैं तो साधु बन करके आया, मतलब मैंने कहा जो भाई पिता माता की सेवा करेंगे आजीवन ये संपत्ति वही भोग करेंगे। अभी भी दूसरे भाई लड़ाई करते हैं ये संपत्ति, बोले नहीं जिसने मेरे पिता माता की सेवा की वही केवल ये संपत्ति की अधिकारी। अभी भी उनके पास में हरी संपत्ति छोड़ करके आया हूँ। इसलिए पिता माता की सेवा करने पर आशीर्वाद मिलती है। इसलिए जो भजन करते हैं ना सचमुच से वही, क्यों इनकी जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए वही पिता ही उधार करते हैं। इसलिए बताए पितरश्च धन्या, पिता माता के जीवन तब भी धन्य होता है जब बच्चे भगवान के भजन करे है। इसलिए समझो कि जो भजन करने के लिए आए सचमुच से यही पिता माता की असली यही सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु का निकल। इसलिए यहाँ पर बहुत बहुत कुछ हुई। अभी हमारे सुंदर गोपरा प्रभु जी बड़ी प्यारी प्यारी नई नई अच्छी अच्छी बात सुनाते हैं।